वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अभी मैं पहुंच गया हूं भक्तापुर दरबार स्क्वायर में जा रहा हूं। गाइज ये देखिए, बहुत ही पुराना मंदिर दिख रहा है मुझे। ये देखिए, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे एक कुआं भी है। दिस इज वेरी डीप इनसाइड। ये देखिए, यहाँ से पानी भरने के लिए भाई ने गैलन डाल दिया है। सो गाइज, एंट्रेंस से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इट्स अराउंड 200 मीटर्स। आई रीच्ड एट दरबार स्क्वायर। ये दरबार स्क्वायर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। बहुत ही पुराना दरबार है ये। ये देखिए, पूरा एरिया ही आपको ऐसा दिखेगा। तो ये देखिए, मेन एरिया है दरबार स्क्वायर का। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़ों की दुकान, यहाँ पे देखिए। ये देखिए भाई, ये कितना खूबसूरत जगह है, आप इमेजिन कर सकते हो। वाओ, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। और पहले के लोगों ने क्या बना रखा है भाई, आज के टाइम पे ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। This is Nyatapol Temple. It's in Bhaktapur.
यहाँ पे कुछ अच्छे आपको कैफेज वगैरह भी मिल जाएंगे विद द व्यू ऑफ दीज टेम्पल्स। सो गाइज ये दरबार स्क्वायर का ही एरिया है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बना रखा है भाई इस जगह को, इतना साफ सुथरा सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, वट एवर यू वॉन्ट, खाने को पीने को रहने को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट। गाइज मैं एक रेस्टोरेंट में रुका हूँ, दिस इज कॉल्ड न्यू वत्सला गार्डन, सो यू कैन सी द फूड आई एम हैविंग इट। दिस इज लंच सेट, इज चिकन दाल एंड वन सब्जी, राइस पापड़ एंड सैलेड्स, एंड दिस इज दही। दिस इज वेरी फेमस इन भक्तापुर, जोजो धाओ, इट्स कॉल्ड जोजो धाओ। So guys, this is all about Bhaktapur and Darbar Square. I am in Thamel, Kathmandu के Thamel में हूँ अभी, रात के 9:30 बज रहे हैं और I asked a local guy and he suggested that this is a restaurant where I can have Indian food और मुझे ये hygienic और cheapest लगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। See this, पीछे भी chairs वगैरह हैं, आगे भी हैं, सो मैं यहाँ से डिनर करता हूँ और फिर आपको थामेल दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैं डिनर करके थामेल के स्ट्रीट में आ चुका हूँ और चारों तरफ आप देख सकते हो अभी कितना लाइव है ये स्ट्रीट, इतना कंजस्टेड एरिया है। ये देखिए गाइस यहाँ पे क्लब्स बार्स कैसीनो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। थामेल ये पार्टी हब है, बस यही है, रात का टाइम हो चुका है लेकिन देखिए भीड़ अभी भी कम नहीं है।